हर एक भाषा की फिल्मों को अपना रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, तो गुजराती फिल्में भी बन रही हैं, तो प्लीज उन्हें भी प्यार दीजिएगा, बिकॉज वी ऑल वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी एंजॉयज द लैंग्वेज. इस फिल्म में इतने सारे खाने की भी बात है, बिकॉज गुजरातियों की बात हो तो खाने की तो बात होती है, और एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, सारा है, धमाल है. तो डेफिनेटली खाना क्या है, दाल ढोकली, दाल ढोकली, पात्रा, ढोकला, थेपला, सारी चीजों का हमने दिखाया भी है और वर्णन भी है, और फिल्म में स्टोरी में भी बहुत अच्छी तरीके से इसे दिखाया है. सो गुजराती मित्रों ने એટલું જ કહીશ કે આ આપણી ફિલ્મ છે, આપણી ભાષાની, આપણી સંસ્કૃતિની, આપણી ભૂમિ કચ્છની વાર્તા છે. ભલે કચ્છ એક્સપ્રેસ, જનરલી એક્સપ્રેસ ટ્રેન બહુ બધા સ્ટેશન પર ઊભી નહીં રહે, પણ આ એવી એક્સપ્રેસ કચ્છ એક્સપ્રેસ છે કે જે દરેક સ્ટેશન પર, દરેક થિયેટરમાં અવેલેબલ છે. અમારા ફ્રેન્ડ અને સાથી કોકોનટ મોશન પિક્ચર્સે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી છે. અસલમભાઈ છે અહીંયા અમારી સાથે, આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સે દરેક ગુજરાતના થિયેટરમાં આ રિલીઝ કરી છે. તો મીડિયાના માધ્યમથી અમે એટલું જ કહેવા ચાહીશું કે દરેક લોકો થિયેટરમાં જઈને સપરિવાર આ ફિલ્મ જોવે. सो अभी धीरे धीरे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन हमने सोचा था कि 125-150 थिएटर में हम रिलीज़ करेंगे, लेकिन अभी आंकड़ा 250 तक पहुंच गया है, और कल तक लगेगा शायद 300 तक भी पहुंच जाए. एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पांस, गुड शो टाइमिंग. वी आर 700 शोज इन अ डे वी आर गेटिंग, इट विल इंक्रीज फ्रॉम टुमारो. और एक खास बात यह है कि ये फिल्म स्पेशली डेफ और डम लोगों के लिए भी हमने पूरा एक अलग वर्जन बनाया है, जो लोग देख पाएंगे उसे उनकी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं सिनेमा को, पर नहीं कर पाते, तो हमने ये सोचा था, और ये पार्थिव का डिसीजन था. यस, सो वी हैव दिस फिल्म कच्छ एक्सप्रेस इन इंडियन साइन लैंग्वेज. मतलब ऐसी फिल्में बहुत बनती हैं, हम कॉन्टेंट बहुत कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो डेफ लोग हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा तादाद में है, हर एक स्टेट में, तो हमने ये फिल्म उनकी लैंग्वेज में, इंडियन साइन लैंग्वेज में बनाई है, क्योंकि हर संडे को ये लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को अपनी साइन लैंग्वेज में, हमारी पूरे फिल्म के पर्दे पे एक कॉर्नर में उनके साइन लैंग्वेज में पूरा उनको एक्सप्लेन करेंगे, एंड दैट ऑडियंस विल एंजॉय इन देयर ओन लैंग्वेज. और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. मुझे आपको खाली एक क्वेश्चन पूछना है कि आप एक जस्ट एक स्मॉल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए, यू नो, पूरे दुनिया को, सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अक्रॉस इंडिया, आप क्या कहना चाहोगे, यू नो, हाउ कैन यू मेक द मूवीज एक्सेसिबल टू द डेफ, हाउ कैन यू मेक एंटरटेनमेंट एन इंक्लूसिव स्पेस फॉर द डेफ. सो मैं इतना वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, मैंने जोया वगैरह, मैंने એવી ફીલ મળી રહી છે કે બહુ સારી ગુણવત્તાવાળી ફિલ્મ હશે, અને દેટ ઇઝ વાય, એન્ડ માનસી ઇઝ વન ઓફ માય ફેવરિટ એક્ટ્રેસીસ, એન્ડ આઈ લુક ફોરવર્ડ ટુ વર્ક વિથ હર. એની નેક્સ્ટ ફિલ્મ માય મને લેશે, મને ખાતરી છે. મેં દેના ચાહુંગી, બીંગ અ ગુજરાતી, બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થઈ રહ્યું છે કે ખૂબ સુંદર અને અલગ વિષય લઈને સોલ સૂત્ર માનસી પારેખ ગોહિલ અને પાર્થિવ ગોહિલ આપણી સામે આવ્યા છે. આશા રાખું છું કે આ મૂવી બધાને ખૂબ જ ગમે અને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ આપણે આ લોકોને આપીએ. થેન્ક યુ સો મચ. ખરેખર આને જે કાસ્ટ છે, માઇન્ડ બ્લોઇંગ છે. ઇસ કાસ્ટ કા યે જો કોલેબોરેશન હૈ, યે દેખને કા અપના અલગ હી મઝા હૈ. તો ફુલ ટીમ, ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ કંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ.
थैंक यू सर. कांग्रेचुलेशंस टू कच्छ टीम. थैंक यू. एक तो फर्स्ट फील एवी आवे छे के इट्स अ स्ट्रॉंग फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट जे प्रभुमां देखाई रह्यो छे अने मेकिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग अने ऑफ कोर्स लास्ट प्रोडक्शन पर एवुं प्रॉमिस आपे छे के इट विल बी अ ग्रेट प्रोडक्ट. थोड़ी एंग्शियसनेस भी है मगर आई थिंक अच्छी फिल्म होगी. जो थोड़ा बहुत देखा है उससे ऐसा अंदाज हो रहा है कि अच्छी फिल्म होगी. मैसेज तो सिंपल है, हमारी फिल्म देखो, अगर पसंद करो तो हमको बताओ. एंड जर्नी बहुत मजे की रही है तो इसीलिए उम्मीद है कि फिल्म भी उतनी ही मजे की बनी होगी और आपको उतनी पसंद आएगी. So I am Viral Shah, the director of the film. Super excited. I hope जितनी excitement और जितने प्यार से हमने इस film को बनाया है, I really hope and I'm sure actually that everybody is going to love it because the subject is such. It's a beautiful visual gift from us to all the cinema lovers and it is one of those films जो मैं कहूँगा कि theaters में जाकर ही देखना चाहिए because जिस तरह से अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी हमने कच्छ को दिखाया है दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल. आई विश मानसी एंड द होल टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कच्छ एक्सप्रेस. आई हैव सीन द प्रोमो एंड इट इज किकास एंड आई एम श्योर द फिल्म विल बी मोर देन दैट एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. आई मस्ट शेयर दिस. देवेन भाई इतने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने कितने सालों से अमेजिंग अमेजिंग काम किया है, आइकॉनिक शोज फिल्में की हैं एंड ही इज ऑलवेज बीन अ मेंटर फॉर मी. सो the fact that I am with him right now is just a blessing. So thank you so much for the kind words. Thank you so much. Actually, मैं बहुत ही excited हूँ. कल ही release होने वाली है 6 Jan को and I am very excited because ये हमारी mother tongue में है, गुजराती में है and I have loved the films that she has starred in and produced. मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ. आई मीन लुक एट द स्टार कास्ट और जो ट्रेलर आई एम श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा उससे स्टोरी इतनी इंट्रीगिंग लग रही है एंड आई ऑलरेडी टोल्ड मानसी अबाउट इट अर्लियर. आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड. एंड पूजा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ कच्छ एक्सप्रेस. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एक्टर ऑन दिस बोर्ड एंड इन द फिल्म एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी पेविंग अ न्यू पाथ for Gujarati cinema and cinema in general with this film and I just want to congratulate everybody from my heart and I'm really really looking forward to watching the film. Bahut excited too. Main bas itna chahta hu ki jo bhi ye abhi ye kamre mein ja ke bhi picture dekhenge aur bahar aaye to bas picture ki kahani unko chhu jaye. Ye box office record ye kya hone wala wo samajh mein nahi aata hai, bas picture achhi lagni chahiye. तो आप बस देखिए और देखते हैं. एक्साइटेड तो बहुत है, मेहनत बहुत हुई है, बहुत सारी मेहनत हुई है पिक्चर में रत्ना मैम वगैरह से. बस वी आर एक्साइटेड, लेट्स वॉच. प्रीमियर शो में आया तो आपको क्या लग रहा है कैसी होगी? ये आप देख रहे हो, ये जो झमेला यहाँ पे है लोगों का वही दिखाता है कि ये फिल्म क्या है और कितने अच्छी कितनी अच्छी तरह से बनी होगी जो इतने सारे लोग आए हैं देखने के लिए. और मेरी यही प्रार्थना है कि ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल हो और ये खूब खूब नाम कमाए. ये खूबसूरत एक्टर हैं ये ऑलरेडी और भी ज़्यादा करें, और भी ज़्यादा फिल्में करें और गुजराती फिल्मों को इनकी ज़रूरत है. एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज इस फिल्म में हमारे सारे जो दोस्त हैं विराफ पटेल, मानसी वारिक, रत्ना मैम है, सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड. सब दिग्गज कलाकार. गुजराती पिक्चर कच्छ एक्सप्रेस सुपर स्टार कास्ट, सुपर सब्जेक्ट अने जे प्रकार की फिल्मों अत्यारे बनी रही है गुजराती में, आई थिंक हेड्स ऑफ. आई थिंक वी आर मूविंग अहेड. नवा नवा सब्जेक्ट आ रहा है, नवा एक्सपेरिमेंट थी रहा है and this is what Gujarati film industry wanted and needed very very badly. So it's happening. Kutch Express, all the best. Exactly what I'm supposed to say, main sirf itna kahungi that jab se ye poster release hua tha I was very excited to watch this film and
look at how beautiful and how authentic everybody is looking. So I'm really looking forward to watch the film. और मैं already काफी late हूँ तो मैं और मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ film देख. गुजराती में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? कच्छ एक्सप्रेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं ये सिर्फ फिल्म देखना है तब से नहीं, मैंने जब इसका प्रोमो देखा था तब से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गुजराती फिल्म एक प्रोग्रेसिव फिल्म बना रही है और जो ट्रेलर अपने आप में बोलता है कि ये एक फिल्म ऐसा स्टेटमेंट करती है कि गुजरात की हर नारी को, हर लड़की को, हर गृहिणी को देखना चाहिए. वेरी एक्साइटेड, काफ़ी नर्वस हूँ एंड देखते हैं. मैंने पहली बार गुजराती ट्राई किया, मैं खुद गुजराती हूँ लेकिन मैं काफ़ी कॉन्शियस हो जाता हूँ. बट ऑल थैंक्स टू पार्थिव सर एंड मानसी मैम फॉर गाइडिंग मी. बस वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉर टू द ऑडियंस रिएक्शन. मैं भी पहली बार देख रहा हूँ आज, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. मैं खुद सबसे बड़ा क्रिटिक अपने आपका हूँ और उसके बाद आई थिंक मुझसे भी बड़ा क्रिटिक आई थिंक मेरे मॉम डैड भी है एंड माई सिस्टर. हम सब साथ में मिलके डिसाइड करते हैं, हम साथ में मिलके एनालाइज करते हैं कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. कुछ अच्छा बुरा नहीं होता हमारे हिसाब से, सब कुछ सीखना होता है. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड आई थिंक इस फिल्म से भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, सीखने ऑलरेडी मिल चुका है. सो नहीं है और ये सुपर डुपर हिट फिल्म रहेगी, इस साल की सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहेगी. कच्छ एक्सप्रेस मेरे बेटे ने लिखी है, करण भानुशाली, रिटन बाय करण भानुशाली, मेरे बेटे ने लिखी है. थैंक यू. कोई भी सिनेमा जब वॉक करता है तो एज एन इंडियन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम एज एन इंडियन ही ग्रो करते हैं और कच्छ एक्सप्रेस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं सचमुच अपने वेरी गुड फ्रेंड दर्शील सफारी को मैं सपोर्ट करने आया हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है. मैंने उसे तारे ज़मीन पर के टाइम से देखा है और मुझे अभी भी याद है हम लोग सब अपनी सोसाइटी के सारे लोग एक साथ ग्रुप बना के हम उसकी फिल्म देखने गए थे और आज मैं उसके फिल्म के प्रीमियर को अटेंड कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है दर्शील के साथ और कच्छ एक्सप्रेस की पूरी टीम के साथ. इतने लेजेंडरी एक्टर्स है और यस तो बस यही कहना चाहूँगा. यस मानसी गोयल, पार्थिव गोयल, रत्ना बहन, लुकिंग लाइक अ वेरी लवली मूवी कच्छ एक्सप्रेस, सच हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्स. धर्मेंद्र फाइन एक्टर, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस फिल्म. एंड मानसी एंड मी हैव रिसेंटली वर्क टुगेदर एंड हैव हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद हर एंड स्पेशली हैव कम टू विश हर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. थैंक यू. आजकल से रीजनल सिनेमा मार्केट को दिखा रहा है कि रियल कंटेंट क्या है. गुजराती सिनेमा हो, कोई भी लैंग्वेज का सिनेमा हो, वो अब रीजनल नहीं पूरे भारतवर्ष में, दुनिया भर में दिखाया जाता है. एंड रीजनल सिनेमा एक्चुअली हम लोग को बहुत चीज़ें सिखा रही है इस वक्त की. छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो वो मायने नहीं रखता, कॉन्टेंट मायने रखता है. मानसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है गुजराती सिनेमा में और रत्ना पाठक शाह तो है ही आइकॉनिक एंड पार्थिव जो सपोर्ट करता है मानसी को इन एवरी थिंग दैट शी डज, जो प्रोड्यूस भी कर रहा है. मैं चाहता हूँ कि ऐसे रीजनल सिनेमा और आगे बढ़ते रहे एंड ऑफ कोर्स रीजनल सिनेमा अब इंडियन सिनेमा हो चुका है. एंड क्या कंटेंट है भाई, थैंक यू. इसके लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सारी मेरी फेवरेट स्टार कास्ट है ऑफकोर्स और उसमें मेरा भी एक गाना है, मैंने भी गाया है और गाना बहुत बहुत प्यारा है. इवन द होल फिल्म बिकॉज आई नो ऑफ द फिल्म बट कुछ कुछ जैसे ट्रेलर और टीजर में कुछ झलके देखी है, बस उतना ही मुझे उसके बारे में पता है. लेकिन इट इज़ सो 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 प्रॉमिसिंग. मुझे पता है कि सभी को बहुत पसंद आएगा, एवरीबॉडी विल रिलेट और जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ एक हिम्मत दिखा के कुछ आगे अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी मोटिवेटिंग फिल्म होने वाली है एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड ऑफकोर्स मानसी एंड द होल, आई मीन एवरीबॉडी इज़ माय फेवरेट इन द फ्रेम, आई कैन सी दैट. एंड कच्छ एक्सप्रेस नाम भी इतना ब्यूटीफुल है एंड ऑफकोर्स फॉर गुजरातीज इट्स मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राउड. और आज मैं आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम नवी मुंबई टू माई प्लेस और मैं होर्डिंग्स पूरे हाईवे पे देख